ऑटो एक्सपो 2023 के आज दूसरे दिन तमाम कई बड़ी कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियां लॉन्च की, साथ ही जुपिटर कंपनी ने भी अपनी दो गाड़ियां लॉन्च की हैं जो ईवी हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए जानते हैं उनकी जो आज दो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं ईवी ये गाड़ियां, उनमें क्या खासियत है, कितनी क्षमता है उनकी और क्या क्या खासियत है, क्या क्या फीचर्स हैं सर? थैंक यू यूनुस जी ये अपॉर्चुनिटी देने का। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज हमने दो गाड़ियां लॉन्च की है। एक गाड़ी जो है वो 2.2 टन GVW पेलोड की है, तो उसमें एक जो हमारे कस्टमर है वो एक टन तक का गुड्स उसमें कैरी कर सकते हैं, और जो दूसरा व्हीकल है वो उसका टोटल टेयर वेट 7 टन है, उसमें हमारे कस्टमर 4 टन तक का पेलोड कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी छोटी गाड़ी है उसमें हम 10 साल का बैटरी लाइफ गारंटी कर रहे हैं कस्टमर को और अश्योर्ड बैटरी का बायबैक दे रहे हैं, और हम उसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा है जिसमें वो जो गाड़ी है 20 मिनट में चार्ज हो सकती है उसके बाद, और 100 किलोमीटर तक फिर उसका रन हो सकता है। जो बड़ी गाड़ी है उसमें भी फास्ट चार्ज है, उस गाड़ी में 2 घंटे में गाड़ी का फास्ट चार्ज हो जाता है, उसके बाद 230 से 250 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल सकती है। सर बैटरी की बात की जाए तो कौन सी लिथियम आयन या लिथियम फॉस्फेट? सो इसमें लिथियम दो हमने केमिस्ट्री यूज़ की है, एक LTO की है और एक LFP की है। तो ये जो बड़ी गाड़ी है इसमें LFP सिर्फ हमने यूज़ किया है, जो छोटी वाली व्हीकल है उसमें LFP प्लस LTO दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ की है। इसकी अगर चार्जिंग के दौरान बिजली की खपत की बात की जाए तो कितना खपत करती है? जैसा हमने कहा कि ये 20 मिनट में, जो छोटी गाड़ी है वो 20 मिनट में ही फास्ट चार्ज हो जाती है, और उसके बाद 100 किलोमीटर का रन मिलता है। तो अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो करीब 4 साल में जो इस गाड़ी के जो बायर्स हैं उनको गाड़ी का बायबैक मिल जाता है कंपेयर टू जो डीजल इंजन की गाड़ी होती है। अगर इसकी जो मोटर्स की बात की जाए कौन सी मोटर इस्तेमाल की गई है, कितने पावर की, कितनी क्षमता है, और जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? जो छोटी वाली गाड़ी है उसकी जो मोटर है वो 80 किलोवाट की मोटर है और उसमें 23% का ग्रेडेबिलिटी है। जो ये बड़ी वाली गाड़ी है इसका 230 किलोवाट का मोटर है और इसमें भी हमने 23% की ग्रेडेबिलिटी दी है। तो आज अगर आप दोनों गाड़ियां देखें तो पावर के हिसाब से आज के दिन मार्केट में जो भी गाड़ियां अवेलेबल हैं उसमें ये सबसे पावरफुल गाड़ियों में एक है। और क्या फीचर्स अन्य कंपनी से अलग आपने फीचर्स दिए इन लोडर गाड़ी को? सो जैसे मैंने आपको कहा कि ये गाड़ियाँ उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इनका पेलोड काफ़ी ज़्यादा है बाकी गाड़ियों से, हम 10 साल का गारंटी दे रहे हैं बैटरी पर, अश्योर्ड बायबैक दे रहे हैं। उसके अलावा आज के दिन हम एक डेटा सेंटर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो हमारी हर एक व्हीकल जो हम सेल करेंगे उसको हम रिमोटली मॉनिटर करेंगे। सो जो हम अपने कस्टमर को ऑन टाइम रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे उनके गाड़ी के बारे में, और हमारा जो विजन है कि इन गाड़ियों का 3% से कम डाउन टाइम रहे। दोनों गाड़ियों का आपने जो दोनों आपकी जो ये लोडर हैं इनका क्या क्या नाम दिया? सो जो छोटी गाड़ी है उसका नाम है जुपिटर तेज और जो बड़ी गाड़ी है इसका नाम है ईवी स्टार। और ये जो बड़ी गाड़ी है ये एक कंपनी है ग्रीन पावर, ये नॉर्थ अमेरिका की बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनियों में से एक है, ये ट्रक्स और बसेस बनाती है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए। सो ये उनका गाड़ी हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कितनी कॉस्ट? कॉस्ट अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, पर हम इतना कह सकते हैं कि ये मार्केट में अभी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें सबसे कंपेटिटिव रहेगी। थैंक यू। तो ये थे कंपनी के जनरल मैनेजर जिन्होंने अपनी जो दोनों गाड़ी ईवी गाड़ी हैं जो कमर्शियल हैं उनके बारे में बताया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।